हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, हम बना रहे हैं लड्डू जन्माष्टमी के लिए। पता नहीं मेरी वीडियो आज जा भी पाएगी या नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो पहुँचाने के लिए। और जैसे कि शहरों में रहते हैं लोग बाग, तो उनके पास दूध की बहुत कमी रहती है, और आज के दिन तो दूध भी नहीं मिलता है मार्केट में, बहुत कम पैकेट वाले दूध भी बहुत ही कम मिलते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए गाइस, मैं आपको ऐसे मीठा बताने वाली हूँ कि आप 15 मिनट में इसे बना लेंगे, और आपको यहाँ पे दूध की ज़रूरत नहीं है, वाइट शुगर की ज़रूरत नहीं है जैसे चीनी होती है। तो इसे आप अच्छे से बनाएं, खाएं। इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपके घर में सब मिल जाएंगी और झटपट बन जाएंगे। तो इसे ट्राई ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ अलग लेके आई हूँ। और ये लड्डू मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली मेरी ये वीडियोस है, मतलब मैं प्रसाद के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ ताकि दूध की ज़रूरत ना पड़े इसमें। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम और काजू, दोनों को एक एक कटोरी लिए हैं, छोटी एक कटोरी, और दोनों को बराबर मात्रा में रखा है। तो दोनों को मैं एक ही साथ फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मैंने चमचा ले रखा है, इसी एक ही चमचा घी लिया है, इसी में भी मैं सब कुछ फ्राई करने वाली हूँ, एक चमचा घी में। घी भी यहाँ मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, सिर्फ यहाँ मेरा 2 चमचे घी लगा है, इससे ज़्यादा घी नहीं लगा है। तो चमचा भी बहुत छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो। सो गाइस, ये लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे हैं। और कान्हा जी के लिए आप पंचमेवा ये सब तो रखते ही हैं प्रसाद में, तो आप कुछ स्पेशल लड्डू बना के रख दीजिए, आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हो। सो गाइस, ये हमारे जो काजू बादाम थे वो अच्छे से भून चुके थे, और इसी के साथ मैं यहाँ किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश भूनने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस किशमिश डाला और किशमिश देके अच्छे से भून चुकी है। इन्हें मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं भूनना है, इसीलिए अलग अलग इनको मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे हम किशमिश भी निकाल लेंगे गाइस, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मखाने। घी मैंने वही रखा है, कहीं भी मैंने इस पर और घी नहीं ऐड किया है, आप देख सकते हो खुद। तो अब मैं इसमें डालूंगी मखाने। मखाने में थोड़ी ज़्यादा रखूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, काजू बादाम भी बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने मखाने की जो मात्रा है, जैसे काजू 1 कटोरी लिया है, तो बादाम 1 कटोरी लिया है, किशमिश भी मैंने 1 ही कटोरी लिया है, तो ये बड़े 2 कटोरी मैंने यहाँ पे मखाने ऐड करे हैं इसमें। आप ड्राई फ्रूट जितने चाहें, जो आपके फेवरेट हैं, आप उतने ही कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और इसको भी मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, हल्का सा ब्राउन करना है बस। और काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं जो हमें मखानों को घी में तलते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे जो मखाना था, उसमें मखाने के ऊपर छिलका लगा हुआ था, तो इसलिए वो मखाना मैंने ऊपर से उठा लिया, क्योंकि ये मिक्सी में जाने वाला है, फिर हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये पिस जाएगा, तो वो ठीक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, तो इसीलिए मैंने वो सब निकाल दिया था। अब साइड में दूसरी भी गैस चली हुई थी, तो मेरा ध्यान कभी इस पर था कभी उस पर था। तो ये हमारे जो मखाने हैं वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं, और इनको भी हम निकाल लेते हैं, और सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ठंडा अच्छे से। उसके बाद इसे हम मिक्सी में दरदरा पीसेंगे, और इसके साथ ही गाइस, अब इसमें ज़रा सा घी बचा है, करीबन 1.5 चम्मच घी है, तो इसी घी में हम यहाँ पे सूखा नारियल होता है, कुछ जगह पे मतलब सूखा नारियल नहीं मिलता है, तो इस हमारे यहाँ पे इसको गोला बोलते हैं, और ये जो सूखा नारियल है इसको हम इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और घी मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, जो था वही है अभी घी, और इसमें करीबन हमारा जो घी लगा है, जो मैं ये चमचा ले रही हूँ, सिर्फ 2 चमचे घी लगा है, इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो इसको भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और नारियल को बार बार चलाते रहें, क्योंकि नारियल नीचे रहेगा तो वो वाला हिस्सा जल जाएगा। और मैंने बर्तन भी जो है वो बहुत हल्का वाला ले रखा है,
आप खुद देख सकते हो बर्तन काफ़ी हल्का है। तो मेरा जो है नारियल था वो हो चुका था और यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया था बंद, इसको भी हम कर लेंगे ठंडा, तो ये इसी में ही छोड़ दूँगी मैं। तो ये जो है मेरे ड्राई फ्रूट वो हो चुके हैं ठंडे, इनको हम पीस लेंगे, इनको दरदरा ही पीसना है, थोड़ा सा मिक्सी चलाना हो फिर इसको हिला सी के इसी गिलास को फिर मिक्सी चलाना है, क्योंकि इसमें ना ऊपर नीचे हो जाएंगे ना तो कोई पिसेगा कोई नहीं पिसेगा, तो इसलिए अच्छे से पीसना भी है इसको, कोई भी ऐसा मोटा मोटा ना दिखे। तो हमें यहाँ सब कुछ दरदरा कर लिया है, पूरा अच्छे से पिस गया है। तो सारी जो चीज़ें हैं मैंने मखाने और किशमिश काजू और बादाम को पीस लिया था, और ऊपर से मैं इसमें जो नारियल मैंने तल के रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो नारियल भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सबसे पहले मैंने अपना कैमरा सेट करा और ऊपर से बर्तन लिया बड़ा, वो बर्तन छोटा था, तो इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें ऐड करनी है ब्राउन शुगर, जिसको बोलते हैं शक्कर, जहाँ पे आपको गुड़ मिलेगा वहीं पे आपको ये शक्कर मिल जाएगी। तो मैंने ये छोटा दो कटोरी के हिसाब से ही यहाँ पे शक्कर डाली है, और इससे ज़्यादा इसमें शक्कर ना फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता, इसीलिए यदि आपके पास मोटा मोटा शक्कर है जिसमें बहुत सारी गांठें होती हैं तो आप उस शक्कर को छलनी से छान के तब डाल सकते हो। आप यहाँ चीनी का भी, चीनी को मिक्सी में पीस के पाउडर बना के वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, और जो मार्केट में बूरा आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, परंतु मुझे ना चीनी चाहिए थी यहाँ पर ना बूरा चाहिए थी, और ये लड्डू मुझे भी खाने थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर ऐड किया है, क्योंकि मुझे चीनी, मैंने चीनी ना बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत ही कम। तो जब आप वेट लॉस करते हो तो आपको चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही हूँ, चीनी मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक चमचे घी को गर्म किया, और वो भी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लड्डू नहीं अच्छे से बन रहे थे, तो इसीलिए मैंने घी को गर्म किया है और वो इसको डाल दिया है। सो गाइस, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहना। और गाइस, आपको बहुत कमजोरी लगती है तो आप इससे खा सकते हो, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें वो मैं आपको बता दूँ, ड्राई फ्रूट आप कोई भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके मनपसंद है। इसमें जो भुने हुए चने होते हैं उनका पेस्ट बना के थोड़े से उनको, पहले तो वो भुने हुए खुद ही होते हैं, आप चाहें तो उनको हल्का सा भून के उनको मिक्सी में पीस के उसका आटा भी इसमें मिला सकते हो। आप देख के आपको बिल्कुल कमजोरी नहीं लगेगी, आपके घुटनों में दर्द रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, कि बहुत अच्छा घर का, आप बाहर से प्रोटीन ला के खाते हो ना उससे अच्छा तो ये आप घर में खा सकते हो बना के। सो यहाँ पे मेरे लड्डू जो हैं वो बहुत अच्छे से बनने स्टार्ट हो गए थे, और मैंने यहाँ पे लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और सभी लड्डू बनके हमारे हो चुके हैं यहाँ तैयार, और लड्डू गाइस बहुत टेस्टी बने थे, तो कोई नहीं बोल सकता।